संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अर्हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अर्हम नमः। तो चलिए अब हम अपने ज्ञान के चयोपशम के लिए पूज्य मुनि श्री की वाणी में अगले सूत्र का अध्ययन करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो श्रुत का प्रवाह कैसा है? प्रवाह की अपेक्षा से अनादि अनंत है, लेकिन किसी शास्त्र विशेष की अपेक्षा से हम उसे सादी शांत भी कह सकेंगे। और ये भी शास्त्र कब तक रहेगा? जब तक पंचम काल रहेगा, उसके बाद तो ये भी सब समाप्त ही होना है। लेकिन यहाँ पर वह सब कुछ समाप्त होगा इस क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में तो वह श्रुत का प्रभाव फिर चलता रहेगा, और इस क्षेत्र में फिर से जब ये धर्म का प्रभाव शुरू होगा तो फिर यही ज्ञान फिर शुरू हो जाएगा। इस तरह से यह अनादि अनंत प्रवाह श्रुत ज्ञान का निरंतर चला करता है। श्रुत ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, इसलिए ज़्यादा बता रहा हूँ, ज़्यादा समय ले रहा हूँ। जिस पर हमें फोकस करना है उस पर हमें समय लगाना ही होता है। मतिक ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान भी महत्वपूर्ण नहीं, केवल ज्ञान भी महत्वपूर्ण नहीं, सिर्फ श्रुत ज्ञान महत्वपूर्ण है आपके लिए। समझ आ रहा है? क्या करोगे आप? केवल ज्ञान को जानने से क्या होगा? उल्टा आपकी बुद्धि खराब और होगी। समझ आ रहा है? और केवल ज्ञान में अपनी बुद्धि डालोगे तो फिर बस वही होगा, सब निश्चित है, सब निश्चित है, सब भविष्य की पर्यायें दिख रही हैं, अब हम क्या करें? तो फिर वो क्रमबद्ध पर्याय और ये पर्याय वो पर्याय, ये सब उल्टे ज्ञान फिर शुरू हो जाएंगे। इसलिए केवल ज्ञान भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? श्रुत ज्ञान। जो लिखा गया है वो श्रुत ज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको समझें। और ये श्रुत ज्ञान जैसे दो प्रकार का आपको बताया, तो ये दो प्रकार कई तरीके से बनते हैं। एक अंग बाह्य अंग प्रविष्ट रूप में भी हो गया, द्रव्य श्रुत ज्ञान भाव श्रुत ज्ञान के रूप में भी हो गया, और एक यह श्रुत ज्ञान इस तरह से भी समझा सकता है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान। क्या बोलते हैं? अक्षरात्मक, क्योंकि जो हम सुन रहे हैं वो तो सब अक्षरात्मक हो गया, तो सुन करके जो हमको श्रुत ज्ञान हो रहा है वो तो सब अक्षरात्मक में गया। अनक्षरात्मक भी बहुत सा होता है जो बिना सुने भी हो रहा है हमको। क्या हो रहा है बिना सुने, बताओ? आपकी पीठ पर, आपके पैर पर, जहां आप बैठे हो, अगर एक चींटी चढ़ जाती है तो आप बैठे बैठे भी समझ लेते हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों इधर उधर हो रहे हो, क्यों बार बार इधर उधर हाथ लगा रहे हो, क्या हो रहा है? देख लिया था क्या आपने? चींटी देखी तो नहीं? कैसे पता पड़ गया? हैं? कैसे पता पड़ गया? उस चीटी का जो स्पर्श हुआ, ये तो हो गया स्पर्शन जन्य मतिक ज्ञान। समझ आ रहा है? और उस मतिक ज्ञान होने के बाद में आपको लगा कि ये चीटी अगर चढ़ गई है तो काट भी लेगी, और ये लग रहा है लाल वाली है, चिपक गई तो निकलेगी नहीं, हटेगी नहीं। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया आपका? ये श्रुत ज्ञान हो गया। ये श्रुत ज्ञान वहां कैसे लग गया? ये अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। इसको क्या बोलेंगे? अनक्षरात्मक। हमारा हित अगर होता है, हमारे काम में कोई ज्ञान आता है, तो वह अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, जो हम आपको समझा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हमें भी जिन्होंने समझाया, ये सब श्रुत ज्ञान की जो परंपरा है वो है अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान की परंपरा। समझ में आ रहा है? अनक्षरात्मक तो अपने आप भी होता है, और अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान
एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्री तक सभी को होता है, लेकिन अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान जो होगा वो संगी पंचेंद्री को ही होगा। समझ में आ रहा? इसलिए ये महत्वपूर्ण ज्ञान है। तो इन अक्षरों के इस श्रुत ज्ञान को हम जान करके इस ये भी हमारे लिए द्रव्य श्रुत का एक द्रव्य श्रुत है, और ये भी हमारे अंदर जो भाव श्रुत ज्ञान का एक क्षयोपशम है उसके अनुसार ही ये द्रव्य श्रुत हमको समझ में आएगा। 20 प्रकार का भाव श्रुत ज्ञान बताया गया है, पर्याय पर्याय समास, समझ आ रहा है? इसके आगे प्रावृत, अक्षर अक्षर समास, प्रावृत प्रावृत प्रावृत, इस तरह से समास करते करते इनके 20 भेद हो जाते हैं। पर्याय अक्षर पद संघात प्रतिपत्ति का नियोग विधीन है, प्रावृतक प्रावृतकम प्रावृतकम वस्तु पूर्वम च, इन सब में समास समास और जोड़ते चले जाओ 20 भेद हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये सब ज़्यादा मत समझो, फिर बहुत टाइम हो जाएगा, है ना? तो ये हैं हमारे ज्ञान के क्षयोपशम के नाम। सिंपल से इतना समझने का है कि एक ज्ञान जैसे पर्याय पर्याय अक्षर है ना, तो पर्याय पर्याय समास, अक्षर अक्षर समास, फिर उसके बाद आएगा पद पद समास, संघात संघात समास। मतलब जैसे जैसे ये हमारे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के नाम हैं, अगर ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हमारे अंदर होगा तभी हमें वो ज्ञान जो बाहर है वो समझ में आएगा। माने पर्याय श्रुत ज्ञान से शुरू होकर के अक्षर श्रुत ज्ञान से आगे बढ़ता हुआ, माने अक्षर श्रुत ज्ञान हो गया, पर्याय अक्षर पद, फिर हमें पदों का ज्ञान हो गया। अब पदों में जितना पद द्वादसांग में बताया गया उसके ज्ञान होने का नाम पद नाम का श्रुत ज्ञान है, वो हमारे अंदर क्षयोपशम होगा तभी हमें सब द्वादसांग के पद समझ में आएंगे। और ये लास्ट तक जाता है वस्तु पूर्वम च, माने पूर्व तक ये जाता है, पूर्व पूर्व समास तक। मतलब हमें पूर्वों का ज्ञान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास में पूर्व को जानने वाले ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। आप कहो हमें आज पूर्व क्यों नहीं उपलब्ध हुए, इतना विशाल जो ज्ञान का साम्राज्य है उसको जानने की आप में क्षमता ही नहीं है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम ही नहीं है। तो हमारे अंदर जितना क्षयोपशम है उसके अनुसार हमारे पास में चीजें हैं। समझ में आ रहा है? वस्तुएं ज्यादा हो, पानी बहुत बह रहा हो और प्यास बिल्कुल ना हो तो पानी का भी क्या प्रयोजन है? अभिनय ही करोगे, इतने से तो ज्ञान की हम विनय नहीं कर पा रहे हैं। वस्तु और पूर्व का ज्ञान होगा तो क्या करोगे? अभिनय ही करोगे। समझ आ रहा है? इतना बहुमान भी तब आता है जब ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम भी बढ़ा हुआ हो। इसलिए जो हमारे पास है वो कम नहीं है, और श्रुत ज्ञान ही हमारा आत्महित करने वाला है। यही श्रुत ज्ञान है जिसके चिंतन से धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होते हैं। समझ में आ रहा? इसलिए इस श्रुत ज्ञान को अच्छे ढंग से जानो। श्रुतम मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक होगा, है ना? और ये सब आपको पहले बताया जा चुका है कैसे होगा मति ज्ञान पूर्वक, उदाहरण देकर के समझाया जा चुका है। द्वय अनेक द्वादश भेदम, दो भेद वाला है, फिर दो के भी अनेक और 12 भेद करके इस तरह से सकल द्रव्य श्रुत ज्ञान और सकल भाव श्रुत ज्ञान, इसके बारे में आप अगर और ज़्यादा डिटेल से जानना चाहें तो आप बड़े बड़े जो जीव कांड ग्रंथ हैं, सर्वार सिद्धि आदि ग्रंथ हैं, उनका आप विशेष अध्ययन करें। इससे अगर आपको जिज्ञासा पैदा हो गई हो तो ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणाम, अब यहाँ पर अवधि ज्ञान का प्रकरण प्रारंभ होता है। श्रुत ज्ञान सिर्फ एक सूत्र में लिखा गया है ना, अवधि ज्ञान। इस अवधि ज्ञान के दो भेद हैं, एक अवधि ज्ञान होता है भव प्रत्यय और एक अवधि ज्ञान होता है गुण प्रत्यय। प्रत्यय माने होता है कारण, निमित्त, हेतु, द कॉज जिसको बोलते हैं। भव ही जिसमें कारण है, भव माने जो संसार आयु कर्म के उदय से हमको मिलता है उसको भव कहते हैं।
देव नार का नाम, यहां पर देव और नार की इन दो भवों को ही लगाना, क्योंकि दो ही के लिए कहा जा रहा है। यानी जो भी देव पर्याय में जन्म लेंगे, जो भी नरक पर्याय के साथ जन्म लेंगे, उन जीव आत्माओं को जो भी अवधि ज्ञान मिलेगा उसका नाम कहलाएगा भव प्रत्यय अवधि ज्ञान। क्यों कहलाएगा? क्योंकि भव ही उनके लिए कारण हो गया है। देव आयु जिसको मिलेगी, नरक आयु जिसको मिलेगी, उसको नियम से अवधि ज्ञान मिलेगा ही। आगे बात समझ में? अब जैसे ही देवायु का उदय हुआ, उसके लिए यह अवधि ज्ञान भी मिलेगा ही। यह भी जानना कि यहां जो अवधि शब्द लिखा है, यह सम्यक ज्ञान के लिए है, मिथ्या ज्ञान के लिए नहीं है। ऊपर भी जो श्रुत शब्द आया वो सम्यक ज्ञान के लिए था, मिथ्या ज्ञान के लिए नहीं था, क्योंकि यहां सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। ये भी ध्यान में रखना कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान मिथ्या भी होते हैं और सम्यक भी होते हैं। सम्यक होंगे तो सम्यक दर्शन के साथ होंगे, मिथ्या होंगे तो सम्यक दर्शन के बिना होंगे, मिथ्यात्व के साथ होंगे, मिथ्या दर्शन के साथ होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? मिथ्या ज्ञान। जब ये ज्ञान अवधि ज्ञान मिथ्या होता है तो इसका दूसरा नाम शास्त्रों में कहा जाता है विभंग ज्ञान। क्या बोलते हैं? विभंग ज्ञान। अवधि ज्ञान अगर सम्यक है, सम्यक दर्शन के साथ है, तब तो वह जीव के लिए जैसे ही आयु कर्म का उदय आया, सम्यक दर्शन के साथ होगा तो अपर्याप्त अवस्था में भी उसको अवधि ज्ञान मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि कभी भी जीव का जन्म होता है तो पहले एक अंतर्मुहूर्त अपर्याप्त अवस्था रहती है, चाहे वो देवों में जाए, चाहे नारकियों में, चाहे मनुष्यों में, उसके बाद में वो पर्याप्त होगा। तो जो सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान होगा वो तो अपर्याप्त अवस्था में भी रहेगा, लेकिन अगर विभंग ज्ञान उसको उत्पन्न होगा तो एक अंतर्मुहूर्त के बाद पर्याप्त होने पर ही होगा, चाहे वो देव हो चाहे वो नारकी हो। यानी देवों में भी और नारकियों में भी मिथ्या दृष्टियों को भी ज्ञान अवधि ज्ञान के रूप में उत्पन्न अवश्य होगा, क्योंकि भव प्रत्यय उनको भी होता है, लेकिन वह अंतर मुहूर्त के बाद होगा। अब ये नियामक हो गया। क्या नियामक हो गया? अवधि ज्ञान देवों में और नारकियों में नियम से होता है। तो किसके कारण से हो जाता है? उनका वह भव ही उसमें मुख्य कारण बताया गया। तो क्या अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होता उनको? होता तो है, बिना अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कोई भी अवधि ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उस अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में भी कारण उनका भव है। वह आयु का उदय है, देवायु नरक आयु। जैसे कि अपने आप हम देखते हैं कि पक्षियों को सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने आप उड़ने लग जाते हैं बिना शिक्षा के, बिना प्रयासों के। उसी तरह से बिना किसी भी प्रकार के और कारण के देवों को नारकियों को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भव को ही मुख्य कारण इन दोनों गतियों में बताया गया है। भव प्रत्ययो वधिर देव नारकाणा। आगे कहते हैं क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। शेषाणाम का मतलब होता है अब जो शेष बचे, कौन बचे? देव नारकी क्या तो वर्णन हो गया, अब कौन बचा? मनुष्य और त्रियंश। इन मनुष्य और त्रियंशों में भी अवधि ज्ञान होते हैं। किस कारण से होंगे? क्षयोपशम निमित्त। यहां पर क्या निमित्त बनाया? क्षयोपशम को निमित्त बनाया। इसी को बोलते हैं गुण प्रत्यय। गुण का मतलब होता है सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र आदि। ये जो गुण कहलाते हैं, इनके निमित्त से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान गुण प्रत्यय कहलाएगा।
ऐसा यह गुण प्रत्यय वाला ज्ञान जब क्षयोपशम तो एक सामान्य निमित्त हो गया, क्योंकि बिना क्षयोपशम के तो कभी ज्ञान होता ही नहीं, तो क्षयोपशम भी कारण है, लेकिन इसके साथ साथ सम्यक दर्शन आदि गुणों का होना भी जरूरी है। सम्यक दर्शन आदि के होने पर ही यह अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रियंचों में उत्पन्न होगा। ठीक है, मिथ्या दृष्टियों को भी होता है, उसकी यहां चर्चा नहीं, लेकिन अगर होगा तो वह विभंग ज्ञान कहलाएगा। सम्यक दर्शन के साथ में जो होगा वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा, और ये जो ज्ञान की उत्पत्ति होती है वह भी सम्यक दर्शन आदि के होने पर ही होती है। अवधि ज्ञान की उत्पत्ति जब सम्यक दृष्टि जीव की दर्शन विशुद्धि आदि इतनी बढ़ जाती है कि वह अवधि ज्ञान के क्षयोपशम को भी प्राप्त कर पाए, तो उसे अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प है, छह भेद वाला है। इसके कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। छह भेद कौन कौन से हैं? एक कहलाता है अनुगामी, दूसरा कहलाता है अननुगामी, तीसरा कहलाता है वर्धमान, चौथा हीयमान, पांचवा अवस्थित और छठवां अनवस्थित। ऐसे छह प्रकार का यह अवधि ज्ञान होता है। अनुगामी का मतलब होता है जो अवधि ज्ञान हमारे साथ अन्य क्षेत्र में भी चला जाए, अन्य भव में भी चला जाए, उसे कहेंगे अनुगामी। समझ में आ रहा है? हमारे साथ देव में भी चला जाए, देव का यहां पर भी आ जाए, ऐसा भी अवधि ज्ञान है ना। जैसे कि सूर्य के साथ में उसका जो प्रकाश रहता है वो जहां जहां सूर्य होगा वहां वहां उसका प्रकाश होगा। ठीक है, वैसे ही आत्मा के अंदर जहां अवधि ज्ञान इस क्वालिटी का होगा तो वो कहलाएगा अनुगामी अवधि ज्ञान। और जो अवधि ज्ञान इस क्षेत्र में तो है, माने भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र में जाओ तो नहीं काम करे, विदेश क्षेत्र में जाओ तो नहीं काम करे, या दूसरे भव में चले जाओ तो नहीं काम करे, छूट गया, तो वो क्या कहलाएगा? अननुगामी अवधि ज्ञान कहलाएगा। समझ में आ गया? तीसरा वर्धमान रूप अवधि ज्ञान होता है। वर्धमान माने होता है बढ़ता हुआ। ऐसा भी अवधि ज्ञान होता है कि जो सम्यक दर्शन की वृद्धि, सम्यक चारित्र की वृद्धि से बढ़ता चला जाता है, बढ़ता हुआ। जैसे कहीं आपने देखा हो कि जंगल हो और जंगल में कहीं आग लग जाए तो वो आग छोटे रूप में लगती है और बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली, उसको बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं? हाँ, जंगल की आग। कई बार सुनने में आता ना, फ्रांस के जंगलों में आग लग गई है, लंबे समय तक लगी रहती है, वो महीनों तक भी चलती है, बढ़ती चली जाती, सारा का सारा जंगल सफाया कर देती, उसको बजाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब जंगल में पत्तियां लकड़ियां सब जगह हैं और आग उसी से बढ़ती चली जाती। तो इसी तरीके से अवधि ज्ञान बढ़ता हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? वर्धमान। और हीमान माने घटता हुआ भी अवधि ज्ञान होता है। जो हमें प्राप्त हुआ है उसकी जो शक्ति है, उसकी जो क्षेत्रकाल की मर्यादाएं हैं, वो घटती हुई भी जा सकती हैं संकलित परिणामों के कारण से। पहले भी बताया था ना आपको, ज्ञान विशुद्धि से बढ़ता है और संकलित से घटता है। अवधि ज्ञान भी विशुद्धि से बढ़ता है और संकलित से घटता चला जाता है। तो ऐसा भी अवधि ज्ञान होता है। अब जैसे मान लो वही जंगल की अग्नि, आग तो लगी एक बड़े रूप में, लेकिन बढ़ने के लिए उसे कोई दूसरा चारा नहीं मिला। चारा जान गए? हाँ, सामग्री नहीं मिली, तो वो वहीं के वहीं बुझ करके समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। तो उसी तरीके से हीमान नाम का भी अवधि ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान होकर के खत्म भी हो सकता है। हाँ, क्या बड़ी बात है, क्षयोपशम है, बिल्कुल ही छूट जाए, ये भी हो सकता है। जब उत्पन्न हुआ है कोई चीज तो नष्ट होने में कोई बाधा ही नहीं है ना, बिल्कुल ही बुझ जाए, ये भी संभावना है। तो हीमान हो गया, बहुत कम हो गया, बिल्कुल भी ना रहे, ये भी संभव है। अवस्थित होता है,
तो जैसा प्राप्त हुआ है वैसा ही बना रहना। जैसे किसी के शरीर पर तिल मस्से वगैरह होते हैं, समझ आ रहा है, अब पूरी उम्र भर वो बने रहेंगे उसके शरीर के साथ। तो ये क्या, इसी तरीके से जैसा अवधि ज्ञान मिला वैसा ही बना रहना, उसको बोलेंगे अवस्थित। अनवस्थित कभी घट गया कभी बढ़ गया, विशुद्धि हो गई तो बढ़ गया, संकलेश हो गया तो घट गया, है ना। तो ये सब क्या हो गया, अनवस्थित। जैसे कि समुद्र में नदियों में तरंगे उत्पन्न होती हैं, हवा चल गई तो तरंगे आएंगी, हवा नहीं चली तो तरंगे नहीं दिखाई देंगे। इसी तरीके से कभी है कभी नहीं है, ऐसा ये अनवस्थित रूप में भी अवधि ज्ञान होता है। छह भेद वाला अवधि ज्ञान जानना, ठीक है। ये किनके होगा, मनुष्य और त्रियंचों के होगा। इस अवधि ज्ञान के तीन भेद और बताए जाते हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। जो हमने भव प्रत्यय अवधि ज्ञान पढ़ा है वो देशावधि अवधि ज्ञान ही होता है, जो देवनारकियों के होगा। यह देशावधि अवधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है, मनुष्य त्रियंचों को भी होता है, लेकिन जो परमावधि और सर्वावधि नाम का अवधि ज्ञान होगा यह केवल संयतों को, माने छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनि महाराजों को ही होगा, और उनको होगा जो चरम शरीरी होंगे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले होंगे, उनको ही यह परमावधि और सर्वावधि नाम का अवधि ज्ञान होता है। तो ये अवधि ज्ञान इतना विशिष्ट होता है कि इसकी प्राप्ति होने पर उस जीव को नियम से मोक्ष होता ही है, और जो ज्ञान है अन्य गतियों में होने वाले या सामान्य से मनुष्य त्रियंचों को होने वाले वो सब देशावधि के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये अवधि ज्ञान की जो विशेषताएं हैं वो आपको आगे और भी बताई जा सकती हैं, कि ये अवधि ज्ञान जो उत्पन्न होता है यह सर्वांग से भी उत्पन्न होता है और ये किसी स्थान विशेष से भी उत्पन्न होता है। जो देव हैं, नारकी हैं और तीर्थंकर हैं, उनके लिए तो यह अवधि ज्ञान सर्वांग से होता है, किंतु जिन महापुरुषों को यह अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा, जिन संयतों को और दूसरा अवधि ज्ञान उत्पन्न होगा तीर्थंकरों के अलावा, उनको किसी एक चिन्ह विशेष के साथ उत्पन्न होगा। माने सम्यक जो अवधि ज्ञान है वह शरीर के ऊपर के ओर, माने नाभि से ऊपर, उनके लिए कोई शुभ चिन्ह होगा, शंख का, वज्र का, पद्म का, स्वस्तिक का, उस आकृति पर ही उन्हें अवधि ज्ञान लगाना पड़ेगा, वहीं से वो अवधि ज्ञान उनके लिए काम करेगा, ऐसा बताया गया है। और जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनके अवधि ज्ञान के चिन्ह उनके नाभि के नीचे के स्थानों पर होते हैं। इस तरह से ये अवधि ज्ञान की उत्पत्तियों के स्थान भी बताए गए और इनके स्वामी भी बताए गए। इतना आप अवधि ज्ञान के विषय में जानना। आगे का सूत्र है, ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। यह मनः पर्यय ज्ञान है जो दो प्रकार का होता है, एक ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान और एक विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। मनः पर्यय ज्ञान का मतलब होता है कि दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ है उस पदार्थ को जानने की जो परिणति है या पर्याय है उसका ज्ञान जिसको होगा उसका नाम है मनः पर्यय ज्ञान। तो ये मनः पर्यय ज्ञान हमेशा दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानेगा। मन का तो केवल आलंबन लेना पड़ता है, जैसे कि हम कहें चंद्रमा देखो तो कहाँ देखोगे, जमीन पे, कहाँ देखोगे, आकाश में। तो आकाश में क्यों देखने लग गए, तो चंद्रमा आकाश में ही मिलेगा। तो आकाश को हमें नहीं जानना है, जानना किसको है, चंद्रमा को है। इसी तरह से जब हम कहेंगे मनः पर्यय ज्ञान से बताओ
तो मने परे ज्ञानी जीव अपना ज्ञान कहाँ लगाएगा? जो पूछने वाला उसके मन में लगाएगा। वो कहेगा मेरे मन में क्यों देख रहे हो? मन नहीं देख रहा है, तुम्हारे मन में जो चल रहा है ना चिंतन, उसको पकड़ रहा है। तो वो चिंतन दो प्रकार का हो सकता है, एक ऋजु और एक विपुल, माने कुटिल। अगर कोई व्यक्ति सीधा साधा चिंतन कर रहा है तो उसको जानने की जब क्षमता आ गई तो उसका नाम है ऋजुमति मनह पर्यय ज्ञान। ऋजुमति वाला, मनह पर्यय ज्ञान वाला आत्मा जो कुटिल चिंतन कर रहा है, समझ आ रहा है, भूत का भविष्य का, वो ऋजुमति वाला नहीं पकड़ पाएगा। उसके लिए विपुलमति मनह पर्यय ज्ञान उसको जानेगा, और विपुलमति मनह पर्यय ज्ञान वाला कुटिल को भी जानेगा और ऋजु को भी जानेगा। तो ऋजुमति मन है पर्यय ज्ञान तो तीन प्रकार का हुआ, कि जो ऋजु मन है, ऋजु वचन है, ऋजु काय है, माने मन वचन काय की जो सरल प्रवृत्तियां, इन तीन प्रकारों की प्रवृत्तियों को जानने वाला ज्ञान होगा वो होगा ऋजुमति। और विपुलमति छह प्रकार को जान लेगा, ऋजु मन वचन काय की प्रवृत्तियां और कुटिल मन वचन काय की प्रवृत्तियों को भी जान लेता है। अब आप समझे, इस मनह परे ज्ञान में, विपुलमति मनह परे ज्ञान में भी इतनी क्षमता होती है कि यह भी आपके अंदर जो आपने सोचा नहीं है वो भी पकड़ लेगा। क्या कहा? जो आपने चिंतन किया नहीं आगे करोगे वो भी पकड़ लेगा। चिंतन करके आधा छोड़ दिया, अर्ध चिंतित पदार्थ होगा उसको भी पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अब आप सोचो, फिर तो क्या मैं वही सोचूंगा कि जो वो सोचेंगे? हाँ वही सोचोगे तुम। समझ आ रहा है? ये जानो, ये ज्ञान की क्षमताएं हैं, विशिष्ट क्षमताएं हैं। ये विपुलमति मन है परे ज्ञान भी जैसे परमावधि और शर्मावधि ज्ञान वाले चरम शरीरियों को होता है, उन्हीं को होता है ये भी, नियम से मोक्ष के लिए कारण बनता है। इस तरह के ये मन पर्यय ज्ञान की जो विशेषताएं हैं वो आपको आगे भी बताई जानी हैं। अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान में कुछ तुलनात्मक अध्ययन भी आगे के सूत्रों में दिया गया है, वो आपको आगे बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि सभी ज्ञानों में हमारे लिए श्रुत ज्ञान के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। श्रुत ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला अक्षरात्मक, अर्थात जो ज्ञान सुनकर होता है, वह सिर्फ पंचेंद्रिय संगी में ही होता है, यह हमारे लिए हितकारी है। और दूसरा अनक्षरात्मक, अर्थात जो ज्ञान बिना सुने अपने आप होता है, यह एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक सभी में होता है। हमने जाना भाव श्रुत ज्ञान के छह ऑप्शन से ही हम द्रव्य श्रुत को समझ सकते हैं। भाव श्रुत ज्ञान 20 प्रकार के हैं। श्रुत ज्ञान के चिंतन से धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान होते हैं। सूत्र 21 से हमने अवधि ज्ञान के प्रकरण को समझा। अवधि ज्ञान के दो भेद हैं। पहला भव प्रत्यय, अर्थात जिसमें भव या आयु कर्म का उदय ही कारण है, यह देव और नारकी के नियामक होता है। और दूसरा गुण प्रत्यय, अर्थात जिसमें क्षयोपशम और सम्यक दर्शन, सम्यक चारित आदि गुण निमित्त होते हैं, यह मनुष्य और तिर्यंच के होता है। इनमें क्षयोपशम तो सामान्य निमित्त है, सम्यक दर्शन आदि गुण भी जरूरी हैं। यहाँ अवधि ज्ञान का आशय सम्यक ज्ञान से है, मिथ्या ज्ञान से नहीं। मिथ्या अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान के छह भेद होते हैं। अनुगामी, जो हमारे साथ अन्य क्षेत्र भव में भी चला जाए। अनुगामी, जो इस क्षेत्र में तो है मगर दूसरे क्षेत्रों भवों में साथ नहीं जाएगा, छूट जाएगा। वर्धमान, अर्थात बढ़ता हुआ, जो गुणों की वृद्धि से बढ़ता चला जाए। हीयमान, अर्थात घटता हुआ, जो संकलेश परिणामों के कारण से घटता जाए। अवस्थित, जैसे प्राप्त हुआ है वैसा ही बने रहना। अनवस्थित, जो विशुद्धि और संकलेश के साथ बढ़ या घट जाए। अवधि ज्ञान देशावधि, परमावधि और सर्वावधि तीन प्रकार का होता है।
देशावधि चारों गतियों में हो सकता है। परमावधि और सर्वावधि केवल चरम शरीरी उसी भाव में मोक्ष जाने वाले मुनि महाराजों को होगा। देव नारकी तीर्थंकर को अवधि ज्ञान सर्वांग से होता है। अन्य महापुरुषों को नाभि से ऊपर जो शुभ चिन्ह शंख आदि पर अवधि ज्ञान लगाना पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि के चिन्ह नाभि से नीचे होते हैं। मन पर्य ज्ञान दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को चिंतन को जानेगा। यह दो प्रकार का होता है। ऋजुमति ज्ञान दूसरे के मन में चल रहे सरल चिंतन को जानेगा। वही विपुलमति ज्ञान कुटिल और सरल दोनों चिंतन को जानेगा। ऋजुमति ज्ञान ऋजु मन ऋजु वचन ऋजु काय तीन प्रकार का होता है। विपुलमति ज्ञान ऋजु मन वचन काय की प्रवृत्ति कुटिल मन वचन काय की प्रवृत्ति से छह प्रकार का होता है। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। प्राकृत में जिनवाणी स्थिति है ये। सृजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मुख पदम पावई।